आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने फ़ोन में जियो सिम से मैसेज सेंड कर रहे हैं और जियो सिम से मैसेज नहीं जा रहा है, मैसेज सेंड करने पर यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आती है ट्रबल सेंडिंग, तो ये ट्रबल सेंडिंग प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें, तो यहाँ पे इसके लिए मैसेजेस ऐप से बाहर आइए और अब अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आ जाइए और नीचे आने पर ये ऐप्स आएगा, तो यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक करिए। उसके बाद मैनेज ऐप्स आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा या फिर ऐप मैनेजमेंट आएगा, तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फ़ोन में आ सकता है। हमारे फ़ोन में जैसे कि मैनेज ऐप्स आ रहा है, तो इस पर क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। अब इसे ओपन करने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद नीचे आ जाइए और नीचे आने पर आएगा ये मैसेजेस, या फिर आपके फ़ोन में मैसेजिंग नाम से आएगा, तो यहाँ पे मैसेजेस पे क्लिक करिए। उसके बाद ऐसा पेज आएगा, अब नीचे आएगा ये फोर्स स्टॉप, तो इस पे क्लिक करिए, ओके करिए। उसके बाद ऊपर स्टोरेज पे क्लिक करिए या फिर स्टोरेज यूसेज पे क्लिक करिए। अब नीचे क्लियर डेटा पे क्लिक करिए, क्लियर ऑल डेटा करिए, उसके बाद ओके करिए। तो ये करने से कोई आपका डेटा या फिर कुछ आपके फ़ोन से डिलीट रीसेट या फिर कोई मैसेज डिलीट नहीं होता है। तो ये करने के बाद बैक आ जाइए। उसके बाद अब अपने फ़ोन की सेटिंग्स में ऊपर आइए, ऊपर आकर आएगा ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, तो इस पर क्लिक करिए। अब सिम वन आएगा, सिम टू आएगा, तो जिस सिम कार्ड स्लॉट में आपका जियो का सिम है उस सिम पर क्लिक करिए। हम क्लिक करेंगे सिम वन पे। सिम वन पे क्लिक करने के बाद आएगा नीचे, अब यहाँ पे ये मोबाइल नेटवर्क, तो मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करिए। अब ऊपर आएगा ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क, तो यहाँ पे इसे बंद करिए, ऑफ़ करिए, नीचे नेक्स्ट करिए, फिर से यहाँ पे ओके आएगा, तो ओके करिए। अब ये सर्चिंग लेगा, तो यहाँ पे 10 से 15 सेकेंड आप वेट करिए। अब यहाँ पे जब आपका सिम कार्ड ये जियो 4G अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क ऑन करिए। यहाँ पे ये करने के बाद बैक आइए। अब अपने फ़ोन में एक बार फ्लाइट मोड ऑन करिए या फिर एरोप्लेन मोड ऑन करिए। अब इसे बंद करिए और अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए या फिर अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए। यहाँ पर अब अपने फ़ोन में मैसेज ऐप ओपन करिए, तो यहाँ पे अब ये देख सकते हैं हमारे जियो सिम से मैसेज सेंड हो रहा है, अब ट्रबल सेंडिंग नहीं आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।